अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ प्लांटिंग फॉर लिविंग में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलोवेयर की, जो केयर कैसे की जानी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जो एलोवेरा का प्लांट है, इसकी जो मिट्टी है वो इतनी खुश्क रहनी चाहिए कि ना आपके हाथ पे ज़्यादा चिपके और आपको महसूस भी हो कि वो मिट्टी गीली है। दूसरी बात ये है कि आप इसको अच्छे से, इसकी जो सॉयल है इसको, इसकी फूड दें, इसकी खुराक दें, इसको कंपोस्ट लगाएं अच्छे से, और दिन में सिर्फ एक मरतबा पानी दें, सर्दियों में खासतौर पर। और गर्मियों में ये है कि इसको पानी इतना ही दें जितना आप देख रहे हैं कि इतनी मिट्टी इसकी खुश्क हो, ज़्यादा तरी भी ना हो, जैसे कि इस तरह से। इस तरह की अगर मिट्टी होगी तो ये आपका प्लांट नीचे से गलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसके, इसको आपने ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पे इसको शाम की धूप या सुबह सवेरे, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम, इसको इतनी हल्की धूप लगे कि अपने जो इसके लीव्स हैं इनको ग्रो कर सके, तो इसे बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका पौधा ज़्यादा खुश्क हो गया, ज़्यादा पानी चला गया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये करना है कि जो इसकी मिट्टी है उसकी गोली कर देनी है उसको इस तरह से, ताकि इसकी मिट्टी जो है अच्छे से ग्रो कर जाए। और इससे ये फ़ायदा होगा, इसकी रूट्स को भी आसानी से ग्रो करने में मदद मिलेगी। इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होना ज़रूरी है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एलोवेरा का प्लांट है वो क्या काम करता है अगर आपने इसको अपने घर में रखा है। तो सबसे पहली बात है, ये बिल्डिंग पॉल्यूटेंट फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन जो हवा में होते हैं, टॉलिन, बेंजीन, ये सारे जो हैं केमिकल मटेरियल्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि लुब्रिकेंट्स वगैरह, फॉर्मेल्डिहाइड जो लुब्रिकेंट ग्रीस और क्रूड ऑयल की वजह से पैदा होते हैं, तो ये उनको किल करता है। और ऐसा जो एयर है आपकी, इसको एयर फ्रेशनर के तौर पे भी काम करता है। ये बात कोई समझ नहीं आई हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।